मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि कनाडा में जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ पर रोड के क्या हालात हो जाते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पर रोड कैसे क्लीन कराती है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन्स एंड ट्रक्स आते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग ही काम रहते हैं। सबसे पहले जो मेन रोड होता है जहाँ पर व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उसके लिए आती है ये स्नो प्लो मशीन, जो कि बीच के रोड की सारी स्नो को एक साइड में कलेक्ट कर देती है, एक रो में लगा देती है लाइक दिस। उसके बाद बारी आती है इस मशीन की, ये है एक स्नो ब्लोअर मशीन जो कि सीरियसली बहुत ह्यूज मशीन होती है। ये जितनी भी कलेक्ट हुई हुई स्नो होती है उसको ब्रेक करके एक पाउडर फॉर्म में डंप ट्रक में फिल करती रहती है और फिर वो डंप ट्रक चेंज होते रहते हैं, सारी स्नो को ले जाते हैं। उसी के साथ साथ साइड वॉक और फुटपाथ की क्लीनिंग के लिए ये स्किड स्टीयर मशीन्स आती हैं जो कि स्नो को तो रिमूव करती ही हैं, साथ में स्टोन्स भी गिराती हुई चलती हैं। इन स्टोन्स की वजह से पैर स्लिप नहीं होता है।